एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड के साथ मैच खेला और क्या जबरदस्त बाबर आजम और रिजवान ने विक्ट्री हासिल की है, अच्छे खासे स्कोर्स करके। 85 एंड 70 पे जो है वो दोनों प्लेयर्स ने खेला है, काफी अच्छे स्कोर्स किए हैं। 153 जो है वो टोटल स्कोर था, जिसके ऊपर पाकिस्तान जीत कर फाइनल में आ चुका है, क्वालिफाई हो गया है। भारत का भी कल पता चलेगा कि भारत क्या होता है, क्वालिफाई में आता है कि नहीं। वैसे उम्मीद यह है कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल होगा, और अगर हो गया तो क्या चेस आ जानी, मैं आपको बता रही हूँ। वेल, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं पठान भाई का, जिसमें कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स है। लिटरली मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम सुनेंगे, क्योंकि लोग जब डिस्कशन करते हैं, लोग पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करते हैं, इसलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि उनके पॉइंट्स को नोट किया जाए और जानते हैं कि भाई वो एक्चुअली क्या क्या रहे हैं। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें, ताकि सारे वीडियोज आपको मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिल्कुल भी मजा नहीं आया दोस्तों, टोटली फिक्स मैच था ये आईसीसी वालों की तरफ से। बस किसी ना किसी तरीके से ये भिखारियों को सेमीफाइनल में लेके आना था और सेमीफाइनल से फाइनल लेके जाना था, ताकि इनका सामना इंडिया से हो। ये कंफर्म है दोस्तों कि कल इंडिया जो है वो इंग्लैंड को हरा के फाइनल में जाएगी, और दोस्तों दोबारा होगा आमना सामना बाप वर्सेस बेटे का, इंडिया वर्सेस भिखारिस्तान का। तो दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है, जिस तरीके से भाई न्यूजीलैंड वाले बॉलिंग करा रहे थे, भाई ये बॉलिंग होती है, ये तो ऐसा लग रहा था प्लास्टिक की गेंद फेंक रहे साले, ऐसा लग रहा था पूरी टीम मोटमार के आई हुई है भाई। और पीछे खड़ा हुआ विकेट कीपर, भाई बॉल ही नहीं पकड़ी जा रही थी उससे, स्पिनर की बॉल भी उससे छूट गई, उस पर भी 3 रन ले लिए 2 रन ले लिए 1 रन ले लिया। अरे भाई साहब, ये टोटली फिक्स मैच था आईसीसी वालों की तरफ से। किसी ना किसी तरीके से भाई इंडिया वर्सेस भिखारिस्तान करवाना चाहते थे, जैसा कि वो लोग इनको सेमीफाइनल में लेके आए। अब इनको लग रहा है कि ये लोग सेमीफाइनल में आए हैं, अबे तुम लोग आए नहीं हो, भिखारी हो, तुम्हें लाया गया है। इस वर्ड में बहुत फर्क है भाई, आना और लेकर आना भाई। इनको कौन समझाए ये भिखारियों को, हम पर जाहिल लोग है भाई, भिखारी लोग है, इनको लाया गया है बांग्लादेश के साथ चीटिंग करके, बुम्बा साले को मैच फिक्स करा के और इनको सेमीफाइनल में लाना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आईसीसी वालों की चाल खेलना, आप देखेंगे इतने वर्ल्ड क्लास बॉलर होने के बावजूद न्यूजीलैंड वाले कैसी बॉलिंग करा रहे थे। और चलो बॉलिंग की तो हम बात ही नहीं करते, फील्डिंग की बात ले लो भाई, कैश ड्रॉप, इतने इजी इजी कैश ड्रॉप भाई। अच्छा, बॉल ऊपर से आ रही है, कैच इजी पकड़ सकते हैं, आगे ही नहीं जा रहा फील्डर भाई, अरे थोड़ा भाग तो जाओ, कैच तो पकड़ लोगे, नहीं वहीं भाई हाथ बड़ा कर दिया कि भाई यहीं से पकड़ना है। ऊपर से भाई विकेट कीपर को आप लोगों ने देखा, कानवाई है, बनवाई है, जो भी है भाई, बिल्कुल उसने विकेट कीपिंग आज की नहीं भाई। 160 बॉलों में से दोस्तों 5 बॉल्स भी उसने मुश्किल से नहीं पकड़ी। दोबारा इस मैच को देखना और स्पेशली पीछे खड़ा हुआ कानवाई को जरूर देखना, और पिछले जितने भी मैच न्यूजीलैंड ने खेले अपनी ग्रुप में, जिस जिसके भी अगेंस्ट खेले भाई, उसकी विकेट कीपिंग देखना है, उनकी फील्डिंग देखना है और बॉलिंग देखना है। चलो ये चीजें तो दोस्तों हम आपके सामने थी, अब आते हैं थोड़ी बैटिंग पे नजर डालते हैं भाई। न्यूजीलैंड की बैटिंग जो है टॉप बैटिंग है दोस्तों, जबरदस्त बैट्समैन है न्यूजीलैंड के पास, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पावर प्ले में कुछ नहीं कर पाए। चलो पहला विकेट इन लोगों का गिरा, वो हम मान लेते हैं कि चलो विकेट गिरा दिया गया है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये लोग खेल रहे थे, जिस तरीके से ये लोग टुक टुक करके मार रहे थे, एक एक रन ले रहे थे, इससे तो साफ पता चल रहा था कि भाई सिर्फ पावर प्ले को खत्म करना है। वो तो मुश्किल से भाई उन्होंने जो है वो 30-35-38 रन बना दिए, नहीं तो इनका टारगेट था 20 बनाना, क्योंकि भाई ये सब फिक्स हुआ है, मीडिया ब्रॉडकास्ट से कितना पैसा आता है दोस्तों, ये हमारे और आपके सोच से बहुत बाहर है। आपको पता है जितना पैसा इंडिया वर्सेस भिखारिस्तान के मैच में आईसीसी कमाती है, इतने पैसों में दोस्तों 10 भिखारिस्तान बन सकते हैं, न कि सिर्फ टिकट के पैसे, यहाँ पर एड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, सट्टे लगते हैं, बट्टे लगते हैं, पैसे लगाते हैं दोस्तों, बहुत सारे काम होते हैं, तो ये सारी चीजों को अपनी नजर में लेना दोस्तों, और इसके ऊपर
कमाई करना, पैसा वसूल करना ये आईसीसी वालों का रूल बन चुका है। ये गेम वो गेम नहीं रहा दोस्तों, ये पैसों का गेम रहा आईसीसी वालों के लिए। दोस्तों आप लोग देखें कि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड वर्सेस बेकारिस्तान का मैच चल रहा था। आप मुझे दो बंदे बता दें जो एक भी बार आईसीसी वालों का कैमरा वहां पे उनके पास गया हो कि हाँ यार ये न्यूजीलैंड वाले आए हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। भाई उनके क्रिकेट बोर्ड के अलावा एक भी बंदा हमें नहीं दिखा, एक भी पेपर बोर्ड साइन बोर्ड कुछ भी नहीं दिखा कि किसी के हाथ में हो। एक भी फोर और सिक्स पे एक भी बंदा नहीं दिखा जिसने दिखाया हो कि यार फोर लग गया या सिक्स मार दिया। भाई कुछ भी नहीं होता, टोटली ये मैच फिक्स था और आईसीसी वाले भी नहीं चाहते कि ऐसा फाइनल हो कि जिसमें शोर तमाशा ही ना हो। भाई अब इंडिया से 150 करोड़ की आबादी है दोस्तों, 150 करोड़ की आबादी में से अगर ना जाए, इंडिया से ना जाए तो दोस्तों 50,000 बंदे तो जाएंगे ना यार। थोड़ा सोचो अपने साथ कि 150 करोड़ में से अगर 50,000 लोग भी इंडिया से जाते हैं फाइनल देखने के लिए तो कितना घाटा हुआ ऑस्ट्रेलिया को और कितना घाटा हुआ दोस्तों आईसीसी वालों को। टिकट तो बिल्कुल आम सी बात है, टिकट के पैसे तो ऐसे समझ लो कि वो लोग अपने जितना स्टाफ है उनका खर्चा पानी उनके सैलरीज वगैरह वो देते हैं टिकट के। बाकी जो मीडिया ब्रॉडकास्टिंग होती है, जो एड्स चलते हैं, जो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, वर्ल्ड कप जब स्टार्ट होता है आपको पता है कि दुनिया में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, कहीं पर भी आप चले जाएं दोस्तों टोटली जो है वो वर्ल्ड कप ही चलता है और ज्यादा कब चलता है जब इंडिया का मैच होता है। अच्छा अब सिर्फ ये नहीं कि बेकारिस्तान को लेके आना था, बेकारिस्तान को सिर्फ लेके आना था और व्यू पैसा एड से कमाना वो इंडिया से कमाना है दोस्तों, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। ये तो सबको पता है कि आईसीसी का जो 90% जो इनकम है वो सारा इंडिया से होता है। अब जब ऐसा फाइनल देखने को मिले जिसमें इंडिया वर्सेस बेकारिस्तान हो, बाप वर्सेस बेटे का फाइनल हो, तो दोस्तों आप लोग सोचें कि कितने लोग आएंगे दोस्तों, कितनी जनता आएगी, कितने अवाम आएगी। दोस्तों ये भी देखना कि इस बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो ग्राउंड है जिसमें लगभग 1,00,000 या 1,30,000 जितने भी बंदे उसमें आ सकते हैं, वो तो अंदर की सीट से सारी, इन्होंने छत पे भी एक जगह बनाई हुई है रस्सियां बांध के जो ऊपर से खड़े होके वहां से भी मैच देखने का पूरा पूरा एड चला रहे थे दोस्तों। ये बात सारी कंफर्म थी जिस दिन मैंने वो एड देखी थी कि एकदम टॉप पे जो छत है, जो ग्राउंड का जो छत है वहां पे इन्होंने एक किस्म की जो बनाई हुई है कि आप बॉडी सेविंग के लिए सब बांध लेते हो, वहां से मैच देख सकते हो, नजारा भी देख सकते हो। तो दोस्तों इससे कन्फर्म हो रहा था कि ये लोग जबरदस्ती जो है वो बेकारिस्तान वालों को सेमीफाइनल में लेके आएंगे, जैसे किसी टॉमी के आगे आप हड्डी पकड़ते हो ना, कैसे पीछे पीछे भाग के आते हैं वो 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 तो ये आए नहीं है, इनको लाया गया है। बट वी डोंट केयर दोस्तों, अभी इंडिया खेलेगा इनको। सबसे पहले तो दोस्तों हम इंग्लैंड को खेलना है इंडिया को अच्छी तरीके से, क्योंकि इंग्लैंड का भी खून जो है वो इनमें मिक्स है। ये ब्रिटिश ब्रीड है दोस्तों, ये आप सबको पता है कि ये ब्रिटिश ब्रीड है, ये लोग इनका कानून आज भी सारा ब्रिटिश का ही चलता है, तो सबसे पहले जो है वो ब्रिटिश की माननी है दोस्तों इंग्लैंड वालों की, उसके बाद से ना इनको ठेलना है। और दोस्तों हमने अभी जितना भी ये टूर्नामेंट जा रहा था दोस्तों, मैच फिक्सिंग कब से शुरू हुआ मैं बताता हूँ। सारा टूर्नामेंट बिल्कुल सही जा रहा था, सारी टीमें अपने दम पर खेल रही थी, जबरदस्त खेल रही थी। एकदम से ना दोस्तों जब बबुम्बा का मैच आया तो ये तो सबको पता था, रिलैक्स था सबके, यार बबुम्बा तो जीतेगा, 100% बबुम्बा की टीम जीतेगी। सबसे पहले डेविड मिलर को निकाल दिया, भाई इतने बड़े टूर्नामेंट में इतना बड़ा तो इंजरी भी नहीं हुआ था डेविड मिलर को, उसको निकालना जरूरी था क्या? वो अच्छा प्लेयर था दोस्तों, वो नहीं चाहता था कि इस मसले में वो बबुम्बा का साथ दे, तो डेविड मिलर को साइड पे कर दिया गया कि चल भाई तू साइड पे हो जा, उसको हटा दिया गया। ऊपर से बबुम्बा का तो पहले से हालत खराब थी, पापड़ आजम से बदतर चल रहा था वो कि कुछ भी रन्स नहीं बन रहे थे। तो दोस्तों बबुम्बा ने सोचा कि काम तो वैसे ही खराब है, चलो लास्ट में थोड़ा सा आईसीसी वालों से कमा भी लेते हैं पैसा वसूल। तो दोस्तों आईसीसी वालों से बबुम्बे साले आईसीसी वालों से पैसा वसूल किया और बबुम्बे का मैच फिक्स करा के बबुम्बे को बाहर फेंक दिया और इनको दे दिया थोड़ा सा फूस। उसके बाद दोस्तों आई नौबत बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ चीटिंग हो गई, उन्होंने मैच फिक्स नहीं किया तो चीटिंग करवा दी। अब बांग्लादेश शकीबुल हसन का आउट नहीं था, उसको आउट दे दिया।
तो दोस्तों ये सारी चीजों को देख के किसी ना किसी तरीके से बिकारिस्तान को सेमीफाइनल में लेके आए। सेमीफाइनल के बाद जो मैच आज का हुआ वो सब आपके सामने है कि किस तरह से फील्डिंग हो रही थी, किस तरह से कैच ड्रॉप हो रहे थे, किस तरह से विकेट कीपर पीछे क्या कर रहा था दोस्तों, और बॉलर क्या कर रहे थे। सबसे बड़ी बात दोस्तों बैट्समैन क्या कर रहे थे। आपको देखे कि बैट्समैन यार कैसा लग रहा था आप लोगों को, इससे तो ज्यादा जिम्बाब्वे ने जो इनको ठेला था, कितना प्रेशर आया था। आज इनके ऊपर प्रेशर ही नहीं था, इनको पता था कि ये मैच फिक्स है, तो बिल्कुल नॉर्मल होके खेल रहे थे। कैसे एक पापड़ आजम पूरे टूर्नामेंट में 39 रन बनाता है और लास्ट में जाके 50 कर देता है फाइनल जाने के लिए। तो दोस्तों मैच टोटली बात फिक्स था दोस्तों आईसीसी वालों की तरफ से, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कार्ड का दूसरा तरफ बाकी है। पहला कार्ड का तरफ जो आईसीसी वालों ने दिखाया कि बेकारिस्तान को उठा के सेमीफाइनल से फाइनल तक लेके आए, लेकिन अभी इक्का दिखाना बाकी है इंडिया का। कार्ड का दूसरा साइड इंडिया फेंकेगा और उसके फेंकने से इंग्लैंड समेत जो है बेकारिस्तान को बाहर फेंकेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर मेरी बातें आप लोगों को सच लगती हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों किस किस को लगा कि आज का मैच फिक्स था, और किस किस को लगा कि बांग्लादेश के साथ वाकई चीटिंग हुई है, और किस किस को लगा कि बबुम्बे साले ने मैच फिक्स किया था। लव यू ऑल दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों आपने देखा पठान भाई जो है वो तो कह रहे हैं कि भाई 100% जो है ना ये मैच फिक्सिंग है, और ये जो भी कह रहे हैं ना ये सब जो है ना मैच जो है वो फिक्सिंग की गई है, सिर्फ ये सबको पागल बना रहे हैं। न्यूजीलैंड ने जो मैच खेला है वो अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं खेली, क्योंकि जाहिर सी बात है यार आप देखो तो मैच एक जो है वो बहुत ही जबरदस्त जो है वो न्यूजीलैंड टीम है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा नहीं खेली होगी। जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड ने अच्छा खेला होगा, हो भी सकता है मैच फिक्सिंग भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये मानती हूँ कि पाकिस्तान ने यहाँ पर बहुत अच्छा खेला है। आप रिजवान की बात कर लें या फिर आप बाबर आजम की बात कर लें, उन्होंने आज दिल खोल कर खेला है। तो आप अभी ये आईसीसी पर इशारा डालें या कुछ भी कहें, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो गेम है वो बहुत अच्छे से खेली गई है और काफी अच्छी पाकिस्तान ने खेला है। सेम ऐसे ही जब पाकिस्तान भारत जीता था तो भारत के ऊपर भी यही बात कही जा रही थी कि मैच फिक्सिंग है ये, तो मैं ये समझती हूँ कि ये ठीक है मैच फिक्सिंग का भी हो सकता है, लेकिन जहां तक हम देखें तो टीम की फील्डिंग पे भी बात की जा सकती है। अगर बाबर आजम एंड रिजवान, आपको पता है कि वो एक अच्छे प्लेयर्स हैं और वो अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा कि लोग जैसे कह रहे हैं कि भाई मैच फिक्सिंग है, तो इस तरह का मुझे तो नहीं लगता। लेकिन अगर वो ड्रॉप हुआ है तो इस तरह से तो भारत का भी हुआ था, जब वो कैच वगैरह जो है दुबई में कैच छूट गया था, तो उस टाइम पर भारत के ऊपर भी ये इल्जाम लग रहे थे कि ये टोटली मैच फिक्स है और भारत हारा है, भारत ने जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था तो पाकिस्तान जीत गया, भारत के कैच और ड्रॉप हो गए तो ये सारा मैच फिक्स है। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हमने भी सुनी थी, तो मैं ये समझती हूँ कि जब तक टीम खुद एफर्ट ना करे, जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप है, अगर पाकिस्तान यहां तक पहुंचा है तो वो अपनी एफर्ट से पहुंचा है। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि पाकिस्तान यहां तक भी पहुंचेगा जिस तरह की वो परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो परफॉर्मेंस वो दिखा रहे हैं तो आई बिलीव के मैच जो है मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से फिक्स हुआ होगा, बट हो सकता है कि फिक्स भी हुआ हो, हम कुछ इसमें कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि उम्मीद अच्छे की करते हैं कि आने वाले वक्त में जो भी हो अच्छा हो, और पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होना चाहिए भाई, मजा आ जाएगा। अगर फाइनल हम खेलते हैं तो मैच वर्ल्ड कप का मजा ही तब आता है, क्योंकि रौनक जो देखने को मिलेगी ना लिटरली वो अमेजिंग होने वाली है। और कल हम पाकिस्तान भारत के मैच पर हम वीडियो भी बनाएंगे जिसपे मतलब लाइव रिएक्शन भी करेंगे, तो मजा आएगा आप लोगों को भी और हमें भी, तो जरूर आप लोग मेरे साथ वॉच कीजिएगा। बाकी ये है कि देखते हैं क्या होता है, ओवरऑल अच्छा वीडियो था, खान पठान भाई जो है उन्होंने भी अपना एनालाइज किया, लेकिन मुझे जहां तक लगता है तो मैच फिक्स नहीं होगा। जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड जो है वो इस तरह से नहीं करेगा,
जहां तक मुझे उम्मीद है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी ओवरऑल आप लोगों का रिव्यू जानना चाहूंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, मुझे कल की प्रेडिक्शन जरूर बताएं कि भारत जीतेगा या फिर इंग्लैंड जीतेगा, कौन आपको लगता है कि जीतेगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी जल्दी से बता दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर।